हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग ने थोड़ा जल्दी नहा लिया क्योंकि हम लोग को जाना था मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। काफी टाइम तो सोच रहे थे हम लोग जाने की, बट जा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचा हम चलते हैं। वैसे ही मंदिर जो है, हमारी अपार्टमेंट है उसके पास में ही है, तो हम जल्दी टाइम थोड़ा जल्दी निकल गए थे। फिर हम पहुँच गए थे हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर पहुँचने के बाद हमने सोचा चलो घर के मंदिर के लिए भी माला ले लेते हैं। फिर हमने घर के मंदिर के लिए माला ले ली। सोचा चलो ब्रेकफास्ट घर पे नहीं बनाते, बाहर से के आते हैं। तो हम बाहर से डोसा वोसा सब कुछ लेके आ गए थे। घर आके हमने मंदिर में माला चढ़ा दी। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। पंखों का हमेशा का है खाना नहीं खाना और खेलते रहना डाइनिंग टेबल पे। फिर ये मेरा वीडियो है दूसरे दिन का। उस दिन मैंने रात को बनाया था शाही पनीर, तो सोचा कि चलो ये वाला वीडियो भी अपलोड कर लेती हूँ साथ में। तो मैंने प्याज व्याज काट लिया, उसमें खड़े मसाले डाले और काजू भी डाला, क्योंकि अब शाही पनीर बना रहे हो तो उसमें तो काजू डलता ही है। साथ के साथ मैंने आटा गूंथ लिया था, और मसाला जब तक तैयार हो रहा था तो मैंने फटाफट से बर्तन लगा दिए। जब मैं डीमार्ट गई थी, वहां से मैं रिश्वत पंखों के लिए दो कप लेके आई थी। साथ के साथ मैंने अगले दिन के लिए छोले और थोड़े राजमा मिक्स करके पीस लिए थे। मैंने मसाला पीस लिया मिक्सी में, और उसके बाद मैंने तेल रखा है, उसमें जो मैंने मसाला पीसा हुआ था वो सब कुछ डाला। डब्बे में धनिया भी भर लिया था क्योंकि मेरा डब्बा खाली हो गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने उसमें धनिया वापस डाला नहीं है। फिर मैंने फटाफट से ग्रेवी में मसाले डाले। वो हमेशा की तरह उसको भूख लगती है, मैं किचन में होती हूँ, तो उसने पनीर का पीस लिया, वो चला गया। उसके बाद मैंने जो है होम मेड क्रीम बनाई। मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी तो मैंने उसकी क्रीम बनाई, और उसके बाद पनीर डाल दिया उसमें। सॉफ्ट करने के बाद डाल दिया उसके अंदर मलाई जो मैंने क्रीम बनाई थी। और ये देखो पंखों को, ये पंखों हमेशा ऐसी कंघियाँ तोड़ता है, तो मैंने धनिया डाल दिया था। और ये मेरा बन गया है अभी शाही पनीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।